हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। फिर एक बार हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेके। वीडियो नया है लेकिन इंस्ट्रक्शंस मेरे वही पुराने हैं। आपको वीडियो में दिए गए हर सेंटेंस को याद करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ ही दिनों में अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट देखो, सुधार देखो। ऐसा क्यों करना है ये जानने के लिए आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखने पड़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। What do you call a person who is unable to pay his debts? ऐसे आदमी को क्या कहते हैं जो अपना कर्ज चुका नहीं पाता, जो दिवालिया हो चुका है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। द वर्ब विच वी शैल डिस्कस इन दिस वीडियो इज पैनिक, अनरीजनिंग फियर, फियर विदाउट जेन्युइन रीजन, खलबली, आतंक, भगदड़। पीपल पैनिक्ड एंड रैन हेल्टर स्केल्टर आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब विस्फोट के बाद लोगों की भगदड़ मच गई, खलबली मच गई। ए वेव ऑफ पैनिक सेलिंग शुक द स्टॉक मार्केट। बिकवाली की खलबली ने शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। डोंट गेट पैनिक्ड इन एनी सिचुएशन, थिंक कूल। किसी भी परिस्थिति में आतंकित नहीं होना चाहिए, ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। द टॉपिक विच वी शैल डिस्कस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर is hair, केश, बाल। Do you apply oil to your hair? क्या आप बालों को तेल लगाते हो? Yes, I apply before sleeping and wash my hair in the morning. हाँ, मैं सोने से पहले लगाता हूँ और सुबह बाल धो देता हूँ। Which gel do you use? आप कौन सा जेल लगाते हो? I don't use gel. I have natural shiny hair. मैं जेल नहीं लगाता हूँ, मेरे कुदरती रेशमी बाल हैं या चमकीले बाल हैं। How frequently do you have haircut? आप कितने दिनों में बाल काटते हो? I have a haircut once a month. मैं महीने में एक बार बाल काटता हूँ। How often do you shave? आप दाढ़ी कितने दिनों में बनाते हो? I shave every alternate day. मैं हर दूसरे दिन दाढ़ी बनाता हूँ, alternate यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन। Why don't you keep mustache and beard? Mustache का मतलब होता है मूछे। कुछ लोग इसको मुस्टाच भी कहते हैं लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है मास्टाश, और बियर्ड यानी कि दाढ़ी। आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते हो? नो, आई डोंट लाइक इट। आई थिंक क्लीन शेव ऑलवेज गिव यू ए बेटर लुक। नहीं, मुझे पसंद नहीं। मुझे लगता है साफ चेहरा ज्यादा आकर्षक लगता है। बट इट इज अ ट्रेंड nowadays. लेकिन आजकल इसका चलन है। इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एंड इट शुड सूट यू। इसकी देख रेख में समय लगता है और यह आप पर जंचना भी चाहिए। डू यू हैव ग्रे हेयर? क्या आपके सफेद बाल है? अंग्रेजी में हम व्हाइट नहीं कहते हैं, ग्रे कहते हैं। यस, आई डाई माय हेयर। हाँ, मैं बालों को रंगता हूं। व्हाई डू यू डाई? आप बालों को क्यों रंगते हो? इट मेक्स यू लुक यंग एंड एनर्जेटिक। अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। आप कोई भी आंसर दे सकते हो। इसका मतलब होता है इससे आप जवान और तंदुरुस्त नजर आते हो
और दूसरा है मेरे हिसाब से यह सजने का एक तरीका है। फ्रेंड्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेविंग? दिस वर्ड इज वेरी पॉपुलर नाउडेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सेवी यानी कि गुड विथ समथिंग, किसी काम में बहुत अच्छा होना। मनी सेवी, टेक्स सेवी, जो टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा काम कर लेता है जैसे इंटरनेट वगैरह में, उसे टेक्स सेवी कहते हैं। जो पैसे रिलेटेड काम करता है उसे मनी सेवी कहते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था, व्हाट डू यू कॉल ए पर्सन वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, जो दिवालिया हो चुका है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू। कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।